हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिकली ऑपरेशन की सेकंड क्लास। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, खासकर एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, एचपी पटवारी और एचपी पुलिस के लिए। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन दिया गया है प्लस का रिलेशन है माइनस के साथ, मतलब प्लस का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड। तो निम्नांकित समीकरणों में से कौन सा सही होगा? आपको चार समीकरण दिए, समीकरण एक, दो, तीन और चार। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी समीकरण जो है वो बिल्कुल सही रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 56, अब देखो यहां पर प्लस है, प्लस का रिलेशन किसके साथ है? प्लस का रिलेशन है माइनस के साथ, माइनस 12 इनटू, इनटू का रिलेशन है डिवाइड के साथ, डिवाइड 34, देन माइनस का रिलेशन आपके पास है मल्टीप्लाई के साथ, 12 इक्वल टू 102। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर सामने लग रहा है कि 102 नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 56 माइनस 12 इनटू 1 अपॉन 36 इनटू 12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा है 52। तो 52 यहां पर नॉट इक्वल टू 102 है, इट मींस फर्स्ट इक्वेशन आपकी गलत हो गई। इक्वेशन सेकंड देखते हैं, इक्वेशन सेकंड में क्या है? 8, अब डिवाइड का मतलब है आपका प्लस, 44, माइनस का मतलब है क्वेश्चन में इनटू, इनटू 5, प्लस का मतलब है माइनस 25 इक्वल टू 203। चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। जब 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 220 माइनस 25। 220 में 8 प्लस करेंगे तो आएगा 228 माइनस 25, तो यहां पर आपको मिल रहा है 203 और वो इक्वल है 203 के। इट मींस आपकी यहां पर एक सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, प्लस से अभिप्राय है गुणा का, मतलब मल्टीप्लाई का, डिवाइड से अभिप्राय है घटाना का यानी कि माइनस का, इनटू से अभिप्राय है जोड़ना यानी कि प्लस से, माइनस का अभिप्राय है डिवाइड से, ये भी दिया यहां पर। आपको बताना है तो कौन सा समीकरण सही है। चार समीकरण आपको दे के रखे हैं, तो जिस किसी को क्वेश्चन आ गया सम जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर या सही समीकरण कौन सी रहेगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे के रखी है, 30 प्लस का अभिप्राय है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई 5, माइनस का अभिप्राय है डिवाइड से, 12 आएगा, डिवाइड का अभिप्राय किससे है यहां पर, माइनस से, तो माइनस 8, एंड इनटू का अभिप्राय किससे है, इनटू का प्लस से है तो प्लस 12 आएगा इक्वल टू 70। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा 30 इंटू 5 अपॉन में आएगा 12, माइनस 8 प्लस 12 आएगा, तो ये सॉल्व करने पर 70 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी जो है वो तो गलत हो गई। चलिए सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या देख के रखी है, 30 यहां पर माइनस है, माइनस का अभिप्राय है डिवाइड से, डिवाइड आएगा 5, अब प्लस का अभिप्राय है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई 12, डिवाइड किससे रिलेट कर रहा है, माइनस से, तो माइनस आएगा, माइनस आएगा आपके पास 8, और इनटू, इनटू का अभिप्राय आपके पास किससे दिया गया है, इनटू का है प्लस के साथ, प्लस आएगा 12। तो सबसे पहले डिवाइड आता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 5 जब 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 12 के साथ, तो आएगा 72 माइनस 8 प्लस आएगा 12 का, 72 में 12 प्लस करेंगे तो आएगा 84 और 84 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 76, यानी कि इसकी भी क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इन टू का अर्थ है डिवाइड, इन टू का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है प्लस, एंड प्लस का अर्थ है घटाना यानी के माइनस के साथ। आपको कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन गिवन दी है उसको सॉल्व करना और बताना है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 3 और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई से, तो माइनस की जगह आ गया मल्टीप्लाई 15, डिवाइड का अर्थ दिया है प्लस के साथ, प्लस आएगा 11 इनटू का मतलब है डिवाइड 8, एंड प्लस का मतलब क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, प्लस का मतलब है माइनस के साथ, माइनस के आएंगे 6। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपको क्या मिल रहा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, प्लस उसमें 11 करेंगे तो आपके पास आएगा 56, डिवाइड के हैं 8, माइनस है 6। जब 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7, माइनस 6, तो ये आपका इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। इसमें क्या दिया है देखो जरा, प्लस का अर्थ है गुणन से यानी के मल्टीप्लाई से, माइनस का अभिप्राय है डिवाइड से यानी के डिवाइड का साइन है यहां पर, इनटू का अभिप्राय है घटाना यानी के माइनस के साथ, एंड डिवाइड का अर्थ है जोड़ना यानी के प्लस के साथ। इसमें भी आपको जो गिवन इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से और बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए वीडियो को पॉज करके कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 9 प्लस का अर्थ क्या दिया है यहां पर देखिए जरा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 8 आएगा, अगेन प्लस है तो मल्टीप्लाई 8 आएगा, देन डिवाइड है, डिवाइड का अभिप्राय क्वेश्चन में क्या देके रखा है, जोड़ना यानी के प्लस के साथ है 4, एंड माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड आएगा यहां पर 9, माइनस का अर्थ है यहां पर जोड़ना यानी के प्लस, यहां पर प्लस आना चाहिए था आपका, क्योंकि डिवाइड का सॉरी माइनस का अर्थ देके रखा है क्वेश्चन में डिवाइड, डिवाइड ही आएगा यहां पर। चलिए सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा आपका 4/9 प्लस 64 इंटू 9 कर दो इसको, इंटू 9 आएगा ये, इस हिसाब से आंसर तो शायद नहीं आएगा। दूसरा एक बार ये चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या आएगा। 9 प्लस का अर्थ है यहां पर गुणा, गुणा 8, अगेन प्लस है तो इसका मतलब आएगा गुणा 8, डिवाइड का अर्थ क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, डिवाइड का अर्थ है जोड़ना यानी कि प्लस 4, एंड माइनस का अर्थ क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, माइनस का अभिप्राय है डिवाइड के साथ, तो डिवाइड आएगा 9। तो इसका मतलब ये इक्वेशन ही यहां पर गलत दे के रखी है, इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर नहीं आएगा। चलिए देखते हैं फिर भी इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे यहां पर आपका आएगा 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो तो आपके पास आएगा 81 इंटू 64 प्लस 4/9, ये इक्वेशन बनेगी आपके पास। इसके बाद क्या करना है आपको कि 81 की मल्टीप्लाई कर देनी है 64 के साथ, 81 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 64 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा देखिए जरा, तो आपके पास आएगा 5188/9, तो ये इसका आंसर आना था इक्वेशन के हिसाब से। यहां पर सी ऑप्शन इसका नहीं रहेगा, इक्वेशन में गड़बड़ है, इसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि इसका सही इक्वेशन सही आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या दे के रखा है देखिए जरा, इन टू का अर्थ है माइनस के साथ, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई के साथ, माइनस का अर्थ है जोड़ना यानी कि प्लस के साथ, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये पूछ रहा है आपसे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व।
सिक्स, अब प्लस का अर्थ देखो क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, थ्री अगेन इन टू का देखो, इन टू का अर्थ है माइनस के साथ, माइनस वन आएगा, एंड प्लस का अर्थ क्या देखा अभी हमने, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है फाइव। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये ब्रैकेट में जो टर्म लिखी है इसको सॉल्व करना है, तो सिक्स इंटू टू इंटू फाइव आएगा, तो आपका आंसर आ रहा निकल कर यहां से 60, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में देखो क्या देखे रखा है, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू, एंड इनटू मीन्स प्लस, ये आपके देके रखा है, देन आपको बोल रहा है तो इस इक्वेशन का सही आंसर क्या रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, 12, अब प्लस है, प्लस मीन्स है डिवाइड, डिवाइड 6 आएगा, अब डिवाइड मीन्स है माइनस, तो माइनस 3, माइनस मीन्स क्या देके रखा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2, एंड मल्टीप्लाई मीन्स है प्लस, तो प्लस का आएगा 8। बोर्ड मास के हिसाब से पहले 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको मिल रहा है 2, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपको मिलेगा 6, एंड प्लस आएगा 2, जब 8 में 2 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 10, माइनस 6 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा, इसमें देखिए क्या देके रखा है, इफ इन टू मीन्स प्लस है, डिवाइड मीन्स माइनस है, माइनस मीन्स है मल्टीप्लाई, एंड प्लस मीन्स है डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको गिवन देके रखी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है ये, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को और कौन सी इक्वेशन आपकी बिल्कुल कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए प्लस मीन्स क्या है क्वेश्चन के में, प्लस मीन्स है डिवाइड 74, माइनस मीन्स दे के रखा है आपको इनटू 4, एंड इनटू मीन्स है प्लस 5, डिवाइड मीन्स क्या दे के रखा है, डिवाइड मीन्स है आपके पास माइनस 2। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहां सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 26 इंटू, यहां पर ना 74 लिखना है आप लोगों ने, 74 आएगा यहां पर, तो 1/74 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 2, ये इक्वेशन बनेगी यहां से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ये आपका 2 के टेबल से कट रहा है तो आपने 2 के टेबल से इसको काट देना है, 37 आ रहा है, ठीक है। अब ये 37 इससे नहीं कटेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 26 इंटू 2 कर दो, 26 इंटू 2 अपॉन 37 प्लस 5 माइनस 2, ये इक्वेशन निकल कर आ रही है। यहां से आपके पास आएगा 52 अपॉन 37 प्लस 5 माइनस 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपके गिवन ऑप्शन है उसमें तो कोई भी आंसर नहीं लग रहा है, तो इस इक्वेशन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इक्वेशन में कोई ना कोई गलती जरूर है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं एक बार, रीचेक कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए 26 थे प्लस, प्लस का मतलब यहां पर क्या देख के रखा है, डिवाइड है, डिवाइड आया, फिर 74 आएंगे, देन माइनस, माइनस मीन्स है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अर्थ था प्लस के साथ, एंड माइनस जो आपका डिवाइड है उसका अर्थ क्या देके रखा है, यहां पर माइनस है। इक्वेशन हमारी सही बनी है, उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर इसका सही आंसर इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये नहीं आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी देके रखा है इसने, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। एक बार रीचेक करके बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा, इफ प्लस मींस है माइनस के साथ, माइनस मींस है इनटू, डिवाइड मींस है प्लस, एंड इनटू मींस है डिवाइड, आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, 10 इनटू का मतलब यहां पर देके रखा है डिवाइड, इनटू डिवाइड करके 5,
डिवाइड मीन्स है प्लस थ्री एंड माइनस मीन्स क्या दे के रखा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टू एंड प्लस मीन्स है माइनस. जब फाइव से टेन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा टू, थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो आपके पास आएगा सिक्स माइनस थ्री, एट माइनस थ्री करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास फाइव. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लस भाग के लिए है, भाग यानी कि डिवाइड के लिए है, इनटू जोड़ना के लिए यानी कि प्लस के लिए है, माइनस गुणा के लिए यानी कि मल्टीप्लाई के लिए है, एंड डिवाइड आपका माइनस के लिए है. तो निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा समीकरण सही है आपको बोल रहा है. तो जल्दी से आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही रहेगी. चलिए करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व. फर्स्ट इक्वेशन उठा रहा हूं सबसे पहले 36. अब क्वेश्चन में देखो माइनस है तो माइनस गुणा के लिए है तो मल्टीप्लाई आएगा सिक्स, प्लस किसके लिए है, प्लस आपका डिवाइड के लिए है, डिवाइड थ्री इनटू इनटू आपका जोड़ना यानी के प्लस के लिए है, एंड डिवाइड किसके लिए दे के रखा है, डिवाइड आपका माइनस के लिए, थ्री इक्वल टू 74. जब सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब सिक्स को थ्री से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा टू, 36 के टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72 प्लस 5 माइनस 3, 75 में 5 प्लस करेंगे, सॉरी 72 में 5 प्लस करेंगे तो 77 आएगा, माइनस 3 करने पर आपके पास आएगा 74. तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर इक्वेशन फर्स्ट ही बिल्कुल सही है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने ये रहा. क्वेश्चन में दिया है कि माइनस जोड़ने प्लस घटाने इनटू भाग करने और डिवाइड गुणा करने को धोतित वर्ड क्या आ गया यहां पर करे, यहां पर ये गलत लिख दिया इसने. आपको कुछ नहीं करना है, ये साइन आपको दिए हैं, इक्वेशन आपके पास गिवन है. आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है साइन को चेंज करके और बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही रहेगा. चलिए सॉल्व करते हैं. गिवन इक्वेशन क्या दे के रखी है, 7 माइनस का मतलब है जोड़ना यानी कि प्लस के साथ, 10 आएगा इनटू भाग से यानी कि डिवाइड से रिलेट कर रही है, 5 डिवाइड का मतलब क्या दे के रखा है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, 6 आएगा प्लस, प्लस का मतलब क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, प्लस का मतलब है घटाना यानी कि माइनस के साथ. बोर्ड मास के हिसाब से जब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आपके पास आएगा 12, 12 में 7 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 19 माइनस 6, तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आ रहा है आपका 13. 12 आ गए आपके यहां, सॉरी यहां पर ना आपका नहीं सही है, 12 आएगा प्लस 7 माइनस आपके आएंगे यहां पर 4, 4 आने चाहिए थे, एक बार दोबारा देख लेता हूं मैं, कहीं मेरे से मिस्टेक हुई होगी. आई थिंक 7 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4 आएगा, 6 टू जा 12 प्लस 7 माइनस 4, जब 12 में 7 प्लस करेंगे तो आ रहा है 19 माइनस 4 तो आपके पास आएगा 15. ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा सही 15, अब 15 आना चाहिए था क्योंकि यहां पर आपका 4 आना था इक्वेशन के हिसाब से, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये रहा. माइनस विभाजन यानी कि डिवाइड से रिलेट कर रहा है, का चिन्ह हो तो इनटू गुणज से यानी कि मल्टीप्लाई से या
प्लस का रिलेशन, ठीक है, डिवाइड घटाना से संबंध कर रहा है माइनस से, इनटू जोड़ना यानी कि प्लस के साथ रिलेट कर रहा है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये आपके पास एक इक्वेशन दे के रखी है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, ठीक है, और बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। ये आया आपके पास 100 प्लस, प्लस का मतलब किससे है, प्लस का मतलब है इनटू से, इनटू आएगा 5 के, माइनस का अर्थ क्या है यहां पर, माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड 10 आएगा, इनटू का मतलब क्वेश्चन में क्या दे के रखा है देखिए जरा, इनटू का मतलब है जोड़ना यानी कि प्लस के साथ 250 आएंगे, अब डिवाइड का मतलब है घटाना यानी कि माइनस के साथ, तो माइनस आएगा आपका 200। बोर्ड मास के हिसाब से जब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2, इस 2 से ये 100 कट जाएगा 50 टाइम में, ठीक है, इस 50 में आपने क्या करना है, 250 को प्लस करना है तो आपके पास आएगा 300, माइनस 200 करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही है। चलिए सॉल्व करते हैं, प्लस का अर्थ है इनटू से, माइनस का अर्थ है प्लस से, इनटू का अर्थ है डिवाइड से, और डिवाइड का अर्थ है माइनस से, तो इक्वेशन दे के रखी है इसने 10 प्लस 5 इनटू 10 डिवाइड टू माइनस 5 का मान क्या है आपसे पूछ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, 10 प्लस का अर्थ है इनटू से, इनटू आएगा 5, इनटू का अर्थ क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, डिवाइड, डिवाइड आएगा 2, सॉरी यहां पर ना 10 आएंगे, डिवाइड का अर्थ क्या दे के रखा है यहां पर, माइनस, माइनस आएगा आपका 2, एंड माइनस का अर्थ है आपके पास है प्लस, तो प्लस क्या आएंगे 5। देखो 10 से 10 कट जाएंगे यहां पर, आपके पास क्या बचेगा, 5 माइनस 2 प्लस 5, 5 में 5 प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 32 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ये रहा, यदि इनटू का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ प्लस दे रहा है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ इनटू है, एंड डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो इक्वेशन को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों ने बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में किसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं गिवन इक्वेशन को, 6 इनटू, अब इनटू का अर्थ क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, प्लस, प्लस आ गया 4, एंड माइनस, माइनस का अर्थ है इनटू के साथ, तो इनटू आएगा यहां पर आपका 5, एंड प्लस का अर्थ क्या दे के रखा है, प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ, डिवाइड आ गया 2, आगे बोल रहा है प्लस, सॉरी डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या दे के रखा है यहां पर क्वेश्चन में देखो जरा, डिवाइड का अर्थ है माइनस के साथ 1, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहां पर 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 प्लस 6 माइनस 1, 10 में 6 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 16, माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, यदि इनटू का अर्थ है माइनस के साथ, इनटू का अर्थ देके रखा है माइनस के साथ, माइनस का अर्थ है इनटू के साथ, प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ, डिवाइड का अर्थ है प्लस के साथ, तो जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना और बताना है आप लोगों ने कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं गिवन इक्वेशन को, 15 माइनस का अर्थ है इनटू 10, देन डिवाइड, डिवाइड का अर्थ देके रखा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या देके रखा है क्वेश्चन में देखो जरा, प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ, डिवाइड 10 आएगा, एंड इनटू का अर्थ क्या देके रखा है, इनटू का अर्थ है माइनस के साथ, माइनस 50, माइनस 50, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, जब 130 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगी,
15 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 150 प्लस, यहां आपके पास बच रहा है 13, 13 माइनस 50, आपने क्या करना है 150 में 13 प्लस करने हैं तो 163 आएगा, 163 में से 50 माइनस करने हैं तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा 113, यानी कि 113 इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ, माइनस का अर्थ है इनटू के साथ, डिवाइड का अर्थ है प्लस के साथ, इनटू का अर्थ है माइनस के साथ। तो आपको बोल रहा है जो इक्वेशन दी है गिवन उसको सॉल्व करना है, चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आपने बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। 36 इनटू का अर्थ क्या देके रखा है क्वेश्चन में, इनटू का अर्थ है माइनस के साथ तो माइनस 12। अब देखो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ तो डिवाइड आएगा 4, डिवाइड का अर्थ है प्लस के साथ प्लस 6। अब प्लस का अर्थ किसके साथ देके रखा है, प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ, देन माइनस, माइनस का अर्थ है इनटू तो इनटू आ जाएगा 3। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3। अब यहां करना कि आपको 3 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो 9 मिलेगा प्लस, यहां आपके पास आएगा 3 एंड माइनस आएगा 36। 36 में आपको 9 प्लस करनी है तो 45 आएगा, 45 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि माइनस का अर्थ है डिवाइड के साथ, प्लस का अर्थ है इनटू के साथ, डिवाइड का अर्थ है माइनस के साथ और इनटू का अर्थ है प्लस के साथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ये पूछ रहा है आपसे। चार इक्वेशन आपको यहां पर गिवन दे के रखी है, आपने बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही रहेगी, कौन सी इक्वेशन बिल्कुल सही रहेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि इसमें से कौन से साइन कहाँ आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी उठाता हूँ सबसे पहले, देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 24 के इक्वल की नहीं आता है 49। अब माइनस का अर्थ किसके साथ है, माइनस का अर्थ देके रखा है डिवाइड के साथ, डिवाइड आएगा 7। अब प्लस है, अब देखो प्लस का चिन्ह है इनटू के साथ कन्वर्ट, ठीक है, इनटू 3, डिवाइड का अर्थ है या चिन्ह है माइनस 5, इनटू का मतलब क्या है, इनटू का मतलब है प्लस 8। जब 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 21 माइनस 5 प्लस 8, 21 में 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 29, 29 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 24 निकलकर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ये रहा। इसमें क्या दिया, देखो माइनस का अर्थ है जोड़ने के साथ यानी कि प्लस के साथ, इनटू का मतलब है गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है घटाना यानी कि माइनस के साथ है, और डिवाइड इनटू का मतलब है विभाजन यानी कि डिवाइड के साथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है, अब आपको यहाँ पर गलत वाले को चूज करना है कि गलत वाला कौन सा है। इसमें आपको चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है, चार ऑप्शन चार इक्वेशन आपको गिवन है, आपको बताना है कि इसमें गलत वाला कौन सा है, ठीक है। चलिए लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या देके रखा है, देखो जरा, 5 डिवाइड, अब डिवाइड का अर्थ किसके साथ है, डिवाइड का अर्थ है घटाने के साथ यानी कि माइनस के साथ, तो माइनस के 2 आ जाएंगे यहां पर। इसके बाद प्लस 12,
अब प्लस का अर्थ किसके साथ है, गुणा के साथ है, यानी कि मल्टीप्लाई के साथ है, मल्टीप्लाई आएगा 12। अब इनटू का देखो, इनटू का मतलब है डिवाइड, यानी कि विभाजन के साथ है, डिवाइड आएगा यहाँ पर 6। अब माइनस का अर्थ है जोड़ना, यानी कि प्लस के साथ। जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4 एंड प्लस का आएगा 2। 5 में 2 प्लस करेंगे, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आएगा, 7 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3, और वो इक्वल हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहाँ पर तो इक्वल हो रहा है, 3 इक्वल टू 3 बोल सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन सही है। अब क्वेश्चन बोला क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है, ये बोल रहा था। चलिए इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5, अब प्लस का अर्थ है आपके पास, प्लस का अर्थ है गुणा के साथ, माइनस का अर्थ किसके साथ, आखिरकार जोड़ना, यानी कि प्लस के साथ। इनटू का देखो, इनटू का मतलब किसके साथ है, डिवाइड, यानी कि विभाजन के साथ है। माइनस डिवाइड का देखो, डिवाइड का मतलब है आपका घटाना, यानी कि माइनस के साथ, इक्वल टू 10 आएगा। जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2, 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 2 माइनस 2, यहाँ से ये कट गया, आपके पास आ गया 10 इक्वल टू 10, मतलब ये इक्वेशन भी आपकी बिल्कुल सही रहेगी। ये इक्वेशन भी आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी। चलिए अब सेकंड इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में क्या दे रहा है। सेकंड इक्वेशन देखिए आप लोग, 5 प्लस का अर्थ है गुणा के साथ, माइनस का अर्थ किसके साथ है, प्लस के साथ है, 12 आएगा। डिवाइड का मतलब किसके साथ है, घटाना, यानी कि माइनस के साथ आएगा। इनटू का मतलब आपको देके रखा है इसने, डिवाइड के साथ, तो डिवाइड आएगा आपका 2 इक्वल टू 13। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट आएगा 3, माइनस 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस 12। जब 10 में 12 प्लस करेंगे 22 आएगा, 22 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आ रहा है यहाँ पर 19। इट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वही गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, देखिए इसका आंसर डी नहीं रहेगा, क्योंकि डी आपका नहीं है, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने ये रहा। इसमें देखिए क्या देके रखा है, यदि इनटू का अर्थ है माइनस के साथ, प्लस का अर्थ है इनटू के साथ, डिवाइड का अर्थ है प्लस के साथ, और माइनस का अर्थ है डिवाइड के साथ, तो दी गई अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करिए। मतलब जो आपको समीकरण देके रखी, इक्वेशन देके रखी है, उसको सॉल्व करना और बताना कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। 175, अब माइनस का अर्थ किसके साथ है, माइनस का अर्थ है डिवाइड के साथ, डिवाइड 25, डिवाइड का अर्थ है प्लस के साथ, प्लस आएगा यहाँ पर 5, प्लस का अर्थ है इनटू के साथ, इनटू 20, इनटू का अर्थ माइनस के साथ है, और प्लस का अर्थ अगेन आपके पास किसके साथ है, इनटू के साथ है। जब 175 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 7, प्लस 5 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, माइनस 3 की 10 से करेंगे तो 30 आएगा। 100 में 7 प्लस करेंगे 107 आएगा, माइनस 30 कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, रिजल्ट आपका आएगा 77। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या दे के रखा है, डिवाइड का अर्थ है माइनस के साथ, माइनस का अर्थ है इनटू के साथ, इनटू का अर्थ है प्लस के साथ, और प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ। तो जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना और बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं, 20 इनटू का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस आएगा 60। अब यहां से देखना है आपने कि डिवाइड का अर्थ क्या दे के रखा है, डिवाइड का अर्थ है माइनस के साथ, माइनस का अर्थ है इनटू के साथ,
एंड प्लस का अर्थ आपको देके रखा है डिवाइड के साथ। जब 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2, आपका आएगा 2। देन 2 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80। ट्वेंटी और 60 प्लस करेंगे तो आएगा 80 माइनस 80, तो रिजल्ट निकल कर आएगा आपका 0। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 0। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ, इनटू का अर्थ है जोड़ना यानी प्लस के साथ, माइनस का अर्थ है गुणा के साथ, एंड डिवाइड का अर्थ है घटाना यानी कि माइनस के साथ। तो निम्नलिखित में से क्या सही है, निम्नलिखित में से क्या सही है आपको पूछ रहा है। इसमें चार इक्वेशन आपके सामने गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपने लास्ट इक्वेशन से ही ज्यादातर पिक करना है, सॉल्व करने की लास्ट जो इक्वेशन दी होगी वहीं से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, 46। अब इन टू का अर्थ क्या देख के रखा है, इन टू का अर्थ है जोड़ना यानी कि प्लस के साथ, 6 आएगा। माइनस का अर्थ आपको देख के रखा है इन टू के साथ, इन टू 4। एंड प्लस का अर्थ क्या देख के रखा है, देखिए जरा प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, डिवाइड आएगा 5। डिवाइड का अर्थ क्वेश्चन में देख के रखा है माइनस के साथ, माइनस आएगा 3। यहां से इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, 46 प्लस 24 अपॉन 5 माइनस 3। इसको सॉल्व करने पर आपके पास मिल रहा है 4.8। जब मैं 46 में 4.8 प्लस करूंगा तो आपके पास आएगा निकलकर 50.8, और इसमें से 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 70.1 नहीं आएगा। इट मींस आपकी इक्वेशन जो डी है वो गलत हो जाएगी। चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड को चेक करते हैं, इक्वेशन थर्ड क्या देके रखी है, 46। अब डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्वेश्चन में देके रखा है माइनस के साथ, तो माइनस 6 आएगा। इन टू का अर्थ किसके साथ है, इन टू का अर्थ है जोड़ने के साथ यानी कि प्लस के साथ। माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है इन टू के साथ, इन टू 5 आएगा। एंड प्लस का अर्थ किसके साथ देके रखा है, प्लस का अर्थ है डिवाइड करने के साथ, तो डिवाइड आएगा 3। चलिए सॉल्व करते हैं, यहां पर आपके पास आएगा 20 अपॉन 3 प्लस 6 माइनस आएगा 46। यहां पर आप क्या करिए, 3 को एलसीएम ले लो, 3 यहां पर एलसीएम आ जाएगा। अगर एलसीएम के हिसाब से करना है तो वैसे ही कर लो, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 6.66 करके आ जाएगा या 6.67 लिख लो, 6.67 आ जाएगा। यहां जब आपने 46 में 6.67 प्लस करना है, 46 में आपने 6.67 प्लस करना है तो आपके पास आ जाएगा 52.67। और इसमें से आपको क्या करना है, 6 माइनस कर देने हैं तो भी आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा है, तो ये इक्वेशन भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। चलिए आगे चेक करते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को चेक कर लो कि इसका सही आंसर आ सकता है इक्वेशन सेकंड से, तो नहीं आएगा तो आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर रहेगा। 46 माइनस का अर्थ है आपका इनटू के साथ, इनटू 6 आएगा। प्लस का अर्थ है डिवाइड के साथ, इनटू का अर्थ है जोड़ना यानी कि प्लस के साथ, एंड डिवाइड का अर्थ है घटाना यानी कि माइनस के साथ। यहां आपके पास आ रहा है, ये आएगा 3 एंड ये कट जाएगा आपका, तो आपके पास आएगा 23। जब 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 69 प्लस 5 माइनस 3। जब 69 में आप प्लस 5 करेंगे तो 74 आएगा, माइनस 3 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 71। यानी कि आपकी यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।